सुखनी जी, आखिर क्या बात हो गई कि ये उपचुनाव इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है गठबंधन के लिहाज से, और आप जैसे वरीय नेता चुनाव प्रचार में नहीं गए? देखिए, गठबंधन जो हुआ है इसमें दो अहंकारी नेता का मिलन हुआ है, और दोनों जब मिला है तो इतना अहंकार में चूर है कि छोटे मोटे नेता उसको नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कि अहंकार का हमेशा रिजल्ट हुआ है अहंकार का नाश करना, और भगवान खुद करते हैं अहंकार का नाश। तो अहंकारी लोग अभी सोचते हैं कि हम दोनों मिल गए तो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अहंकारी को ये पता नहीं है कि अहंकार में जो व्यक्ति गया उसका नाश भी निश्चित है। तो ये कंस्पिरेटर हो सकता है, नीतीश कुमार कंस्पिरेटर है, ये नेता नहीं हो सकता। इसके अंदर नेता वाला कोई गुण ही नहीं है, इसलिए कि ये हमेशा किसी को डैमेज करना, किसी को बर्बाद करना, ये कंस्पिरेसी के माध्यम से करता है। भागलपुर में लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे पैरों पर गिर गया तो क्या मैं उसको उठा के फेंक देता? नीतीश कुमार को शर्म आए ना आए, लेकिन सुखनी चौधरी चूंकि नीतीश को हमने ही बढ़ाया है तो नीतीश को शर्म आवे या ना आवे, लेकिन सुखनी चौधरी को जरूर शर्म आ रहा है। और लालू यादव के सामने ये पंगू हो गए, मैंने इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। कहा कि जिस तरह की भाषा लालू यादव यूज कर रहे हैं उससे नीतीश कुमार को शर्म आने चाहिए और राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर सही में नीतीश कुमार को थोड़ा भी अभिमान होता, थोड़ा भी स्वाभिमान होता, नीतीश कुमार को या तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या लालू यादव से पूछना चाहिए थे कि आपने इस वर्ड का कैसे इस्तेमाल किया।